अंडर 10,000 रुपीज के अंदर अगर आप एक अच्छी 5.1 साउंड बार लेना चाहते हैं और अपने रूम में या हॉल में एक सराउंड साउंड का, वर्चुअल सराउंड साउंड का एक इफेक्ट चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। आपको 5.1 साउंड बार तो पसंद आ जाती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके सराउंड चैनल्स क्या एक वर्चुअल सराउंड का इफेक्ट आपके रूम में या हॉल में क्रिएट कर पाएंगे या नहीं। यहीं पे आपका दोस्त विनीत मल्होत्रा आपके काम आएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर गोवो की गो सराउंड 950 और ज़ेब्रोनिक्स की जूक बार 7400 प्रो, यार ये नाम बहुत बड़ा रखते हैं यार, इन दोनों को कंपेयर करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि इनमें से बेस्ट 5.1 साउंड बार कौन सी है अंडर 10,000 रुपीज में। और ये मेरी गारंटी है कि आपको ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे, पता है मुझे, नहीं मिलेगा, देख लेना। सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ना ही गोवो ना ही ज़ेब्रोनिक्स ने मुझे पैसे दिए हैं, ना ही ये साउंड बार दी है इस वीडियो को बनाने के लिए। इन साउंड बार्स को मैंने खुद खरीदा है, इन्हें पहले बर्न इन किया है, फिर इनसे टेस्टिंग की है अलग अलग रूम साइजेस में, उसके बाद इनसे गाने रिकॉर्ड करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन गानों का लिंक दिया है, इनसे रिकॉर्डेड सॉन्ग्स का लिंक, उसे भी आप जब अपने फोन में डाउनलोड करके सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये साउंड बार्स कैसा साउंड करती हैं और आपको इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों ही साउंड बार्स के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, ताकि आप खुद डिसाइड करें कि आपको इन दोनों में से बेस्ट साउंड बार कौन सी लग रही है। चलिए आपको सबसे पहले इनकी लुक्स के बारे में बताता हूँ। गोवो साउंड बार एक बिल्कुल यूनिक डिजाइन के साथ आती है और इसके अंदर आपको साइड्स में दो ट्रायंगुलर यानी स्टार शेप्ड लाइट्स देखने को मिलेंगी, जिन्हें आप ऑन या ऑफ कुछ भी कर सकते हैं। साउंड बार के फ्रंट में आपको मेटल ग्रिल और पीछे पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी, और उसी के साथ कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको HDMI, ARC, AUX, USB, ऑप्टिकल पोर्ट और ब्लूटूथ 5.3 की सपोर्ट देखने को मिलेगी। गोवो साउंड बार के साइड पे भी आपको इसके कंट्रोल्स दिए गए हैं, उन्हें भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप इसका रिमोट कंट्रोल यूज ना करना चाहें, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, क्योंकि जब आप इस साउंड बार को अपने टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप या तो ये वाला रिमोट यूज करेंगे या फिर टीवी का रिमोट यूज करेंगे, बिकॉज HDMI ARC। इसके साथ आपको दो वायर्ड सराउंड चैनल्स मिलते हैं और उसी के साथ वायर्ड सबवूफर भी, और सराउंड चैनल्स की वायर की लेंथ भी काफी बड़ी दी गई है। मतलब मान लीजिए अगर आपका 250 स्क्वायर फीट तक का रूम है, बहुत आराम से आप इन सराउंड चैनल्स को प्लेस कर पाएंगे, एंड दैट इज गुड। टॉकिंग ऑफ ज़ेब्रोनिक्स, इसका डिजाइन बिल्कुल स्लीक और सिंपल है, जिसमें आपको फ्रंट में मेटल ग्रिल और पीछे पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है with all the connectivity options, जिसमें आपको again HDMI, ARC, optical, USB, AUX और Bluetooth 5.0 की सपोर्ट देखने को मिलेगी। ज़ेब्रोनिक्स साउंडबार के भी साइड में आपको कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिससे आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये वाला रिमोट कंट्रोल यूज कर सकते हैं, जो मैं तो यूज करना पसंद करूंगा नहीं, बिकॉज इट्स ऑफ अ चीप क्वालिटी। इसके साथ आपको सिमिलर डिजाइन के ही वायर्ड सराउंड चैनल्स और वायर्ड सबवूफर देखने को मिलता है 6.5 इंच का, और वायर की लेंथ में ज़ेब्रोनिक्स ने भी कोई कंजूसी नहीं करी है, ये एक अच्छी बात है। और अब सारी इधर उधर की बातें खत्म, सीधा पहले ऑडियो टेस्ट सुने, सुनाता हूँ आपको। ये थी ज़ेब्रोनिक्स और मैंने इसे पहले आपको जान के सुनाया, और अब आपको सुनाता हूँ गोवो, ध्यान से सुनिएगा। फर्क पता चला? ये फर्क है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लैरिटी का, जो आपको गोवो गो सराउंड 950 के अंदर सुनने को मिल रही है। ये किस लिए हो रही है? इसके जो तीन ड्राइवर्स हैं, ये बहुत शानदार तरीके से ऑडियो डिलीवर तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सराउंड चैनल्स हैं, वो कुछ सराउंड की फ्रीक्वेंसीज को प्ले कर रहे हैं और कुछ मेन फ्रीक्वेंसीज को भी प्ले कर रहे हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, आपको ज़ेब्रोनिक्स के अंदर सराउंड चैनल्स के साथ साथ ये जो फ्रंट चैनल्स हैं, सेम ऑडियो डिलीवर कर रहे हैं। ऐसे पता नहीं चलेगा, आपको एक और ऑडियो टेस्ट सुनाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि बेस की परफॉर्मेंस इन दोनों ही साउंड बार्स की सेम सॉन्ग पे कैसी है। एंड बाय द वे, जितने भी सॉन्ग्स आपको मैं सुना रहा हूं और जितने सॉन्ग्स आपको कॉपीराइट रीजंस की वजह से नहीं सुना सकता, उन्हें मैंने इन दोनों ही साउंड बार्स पे सेम सेटिंग्स पे रिकॉर्ड किया, उसे अपनी ड्राइव पे अपलोड किया, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे आप क्लिक करके अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें सुन सकते हैं। पहले जरा वीडियो पे तो सुन लो यार। Yeah.
ये जो आपको फर्क पता चला ये है शार्पर बेस, यानी आपको इसके अंदर जो लोअर बेस इतनी शार्प सुनाई दे रही है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छी है। इस साउंड बार के अंदर यानी ज़ेब्रोनिक्स के अंदर भी आपको लोअर बेस ही ज्यादा मिलती है। ज़ेब्रोनिक्स का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या जिस तरह से वो लोअर बेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या ज्यादा हाईलाइट पे रखते हैं हमेशा अपने ऑडियो सिग्नेचर के अंदर, वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। दैट इज अनडाउटेबली द बेस्ट पार्ट ऑफ ज़ेब्रोनिक्स साउंड बार, बट कोवो इज जस्ट अनदर लेवल। वो आपको इतनी ज्यादा क्लैरिटी दे रही है ना बेस के अंदर कि आपको एक एक बीट बहुत क्रिस्प तरीके से सुनाई देगी, मतलब बहुत क्लैरिटी के साथ आपको वो बेस सुनाई देगी। एंड दैट इज ब्यूटिफुल बाय द वे। एंड द काइंड ऑफ प्राइस रेंज जिसमें ये साउंड बार आती है, मैं हैरान नहीं, मैं बहुत ज्यादा यू नो आई एम रियली अमेज्ड कि कैसे ये ट्यून करी गई होगी, इस साउंड बार के अंदर कैसे इतनी क्लैरिटी दी गई होगी, इतनी पावर इन तीन ड्राइवर्स के अंदर से कैसी आ रही होगी, और सराउंड चैनल्स जो छोटी छोटी फ्रीक्वेंसीज को प्ले कर रहे हैं जो एक्चुअली में डिलीवर उसे करना चाहिए, दैट इज द बेस्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन आप एक साउंड बार सिर्फ सॉन्ग्स या भजन कीर्तन सुनने के लिए तो लेते नहीं, आप इसे अपने टीवी के साथ भी लगाते हैं, मूवीज भी एंजॉय करते हैं और अपने हॉल में सिनेमा हॉल जैसे एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी 5.1 साउंड बार से, जो हमने भी किया, आपको भी सुनाते हैं, सुनिए जरा। एंड बाय द वे, जो आपको सुना रहा हूं उसका भी लिंक आपको उन्हीं ऑडियो फाइल्स के अंदर दिया है, आप उसे भी सुन सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। यार ट्राई तो करो। Dad, I know you think I'm crazy. But I feel her. डायलॉग क्लैरिटी के अंदर दोनों साउंड बार्स का जवाब नहीं, आपको दोनों में बहुत अच्छे डायलॉग सुनने को मिलेंगे और उसमें मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बट अगेन जो पंच, जो क्लैरिटी, जो बेस के अंदर जो मजा और जो मुझे सेटिस्फैक्शन गो सराउंड के अंदर मिल रही है, आई कॉन्ट गेट दैट इन ज़ेब्रोनिक्स 7400। और आई डोंट नो व्हाई, एक्चुअली आई नो why, क्योंकि इसके अंदर तो आउटपुट बहुत कम है। गोवो गोस अराउंड 950 आपको 260 वॉट के टोटल आउटपुट के साथ मिलती है टोटल आउटपुट, और ज़ेब्रोनिक्स 7400 प्रो आपको 180 वॉट के टोटल आउटपुट के साथ मिलती है। एक ये मेजर रीजन है। दूसरा जो मुझे मेजर रीजन लगता है वो है इसके ड्राइवर्स, ये कमाल के ड्राइवर्स हैं, ये क्या आउटपुट दे रहे हैं और कैसी क्लैरिटी दे रहे हैं, ये फुल रेंज ड्राइवर्स हैं और मेरे हिसाब से दे आर दी बेस्ट वंस। ज़ेब्रोनिक्स के अंदर जो ड्राइवर्स हैं वो मेरे हिसाब से उतने ज्यादा क्लैरिटी वाले नहीं हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू मी इज कि यही सेम ड्राइवर्स सराउंड चैनल्स में भी यूज करे गए हैं, सो देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन द साउंड। आप इनमें से जो आवाज सुनेंगे वही आवाज आपको ज़ेब्रोनिक्स के सराउंड चैनल्स में भी सुनाई देगी, तो सराउंड साउंड का तो मतलब खत्म ही हो गया एक्चुअली। अब एक छोटी और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रिमोट कंट्रोल्स के बारे में। दोनों साउंड बार्स के अंदर जो रिमोट कंट्रोल्स हैं वो काफी सारे फंक्शंस के साथ आते हैं। मैं फालतू के फंक्शंस की बात नहीं करूंगा, वॉल्यूम अप या डाउन इन सब की जरूरत नहीं है। द मेन थिंग इज कि आप सराउंड चैनल की ऑडियो को ज्यादा या कम कर सकते हैं, आप बेस ट्रेबल दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ज़ेब्रोनिक्स के अंदर आप सेंटर चैनल यानी जो साउंड बार के सेंटर चैनल्स हैं इनकी, ये एक्चुअली सबको सेंटर चैनल बोल दिया गया है ज़ेब्रोनिक्स में, बट हाँ ये जितने भी चैनल्स हैं साउंड बार में इनको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी सलाह मानिए, इसको हमेशा फुल पे ही रखिए। एंड आई थिंक गोवो डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस। आपको जिस डिफॉल्ट सेटिंग्स पे जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, वहीं पे ये बहुत अच्छा ऑडियो सिग्नेचर प्ले करेगी, बिकॉज फॉर द सिंपल रीजन। प्रोज एंड कॉन्स में बताता हूँ। प्रोज एंड कॉन्स बताने से पहले आपको दोनों का प्राइस बताता हूँ। गोवो गो सराउंड आपको इस समय 9500 रुपीज की कॉस्ट करेगी। यार कोइंसिडेंस नहीं है, ये गोवो गो सराउंड 950 है और 9500 रुपीज की इस समय कॉस्ट कर रही है। ये प्राइस चेंज होते रहते हैं, आपको इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ज़ेब्रोनिक्स की 7400 प्रो 7400 की नहीं है, वो आपको 9000 रुपए की कॉस्ट करेगी। अब दोनों का प्राइस बहुत ज्यादा सिमिलर है, इसीलिए मैंने इन दोनों साउंड बार्स का कंपैरिजन किया।
नाउ दोनों अपने प्रोज एंड कॉन्स के साथ आती है. सबसे पहले मैं आपको ज़िब्रोनिक्स के प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ. आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड साउंड बार. अगर आपका 200 स्क्वायर फीट तक का रूम है, इट इज गोइंग टू रॉक योर रूम. आपको जबरदस्त मजा आएगा. बेस इज वेरी गुड, वेरी पावरफुल. आपको इसके अंदर लोअर बेस का जो पंच मिलेगा वो बहुत जबरदस्त है. मेरा सारा अकोस्टिकली ट्रीटेड रूम है, उसके अंदर भी मुझे बहुत जबरदस्त पंच मिला इस साउंड बार से. द क्लैरिटी इज गुड, बट देर आर अ फ्यू सेट ऑफ कॉन्स जो मुझे लगे इसके अंदर, जो आपको जानने चाहिए. इसके सराउंड चैनल्स मेरे हिसाब से सबसे बड़ा लेट डाउन है, बिकॉज उनमें और इन ड्राइवर्स के ऑडियो में कोई फर्क नहीं है. मुझे ऑडियो आउटपुट यहाँ से और उन चैनल से सेम मिल रहा है. सो देर इज नो डिफरेंस. आपने एक स्पीकर रख दिया सिर्फ साइड में, वो सराउंड चैनल्स नहीं होते हैं. दैट इज वेयर ज़िब्रोनिक्स इज लैकिंग इन दिस पर्टिकुलर मॉडल. However, when I come to Go Surround 950, then the things change dramatically. इसमें आपको excellent clarity मिलेगी. That is the number one pro according to me for this soundbar. दूसरा सबसे बड़ा pro है इसका कि इसके जो surround channels हैं, वो बहुत सारी frequencies को play नहीं कर रहे हैं. Now, आप कहेंगे यार ये फ्रीक्वेंसीज को प्ले नहीं कर रहे, ये कैसे प्रो हो गया? एक्चुअली में ये प्रो है क्योंकि आप जो मेन फ्रीक्वेंसीज हैं जो सराउंड के लिए यूज होती हैं, उनको अगर ये सराउंड चैनल्स प्ले करेंगे ओनली देन इट मेक सेंस. ऐसा नहीं है, दे आर द बेस्ट सराउंड चैनल्स. ये अपनी रेंज के हिसाब से बहुत अच्छे हैं. ये कुछ मेन फ्रीक्वेंसीज को भी प्ले करते हैं, बट इनसे आपको सराउंड, एक वर्चुअल सराउंड का इफेक्ट मिलेगा, ज़िब्रोनिक्स से नहीं मिलेगा. दैट इज फॉर श्योर. एक बहुत जबरदस्त फीचर जो इस साउंड बार में दिया गया है वो है कन्वर्ट दिस साउंड बार इनटू 2.1 मोड. जब आप मूवीज देख रहे हो तो 5.1 मोड में आपको ये साउंड बार सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस देगी, और जब भी आप म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हो तो आप 2.1 मोड सिलेक्ट करें और म्यूजिक को प्रॉपरली एंड थॉरली एंजॉय करें. एक और चीज है जो मुझे इसकी बहुत पर्टिकुलरली अच्छी लगी, दैट इज द रिचनेस इन द बेस. बहुत क्लैरिटी है बेस में, क्रिस्प बेस है, और आपको जो सुनाई देती है आपको मजा आता है. यू जस्ट लव इट. वो जो सूदिंग सा एहसास होता है, आपको बेस सुन के मजा आता है. आप चाहे बेस लवर हैं या नहीं है, आपको जो एकदम थंप महसूस होगा, जो नीचे से ऊपर आती हुई बेस आपको महसूस होगी, लोअर बेस, और जो राइट प्रोपोर्शन में इसमें अपर बेस दी गई है जो आपको सुनाई देगी, वो बहुत अच्छी लगती है. इसीलिए मेरे लिए ये साउंड बार बनती है बेस का बॉस. आप मेरी ऑडियो फाइल्स को सुने, उसमें कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली लोअर बेस के ही सॉन्ग्स हैं, एंड उसके अंदर ये साउंड बार इज जस्ट मैजिक. इट किल्स, डिस्ट्रॉयज ज़िब्रोनिक साउंड बार हैंड्स डाउन. बट दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी साउंड बार्स हैं. अब आपको चूज करना है आपने इन दोनों में से कौन सी साउंड बार लेनी है. मैंने दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और VM1 2023 साउंड बार लिस्ट में भी दिए हैं. मेरे हिसाब से दोनों बहुत अच्छी हैं. अगर मैं इन दोनों में से एक अपने लिए लेता, आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर Go Surround 950 साउंड बार. एक बार आपको फिर से बता दूं दोस्तों कि मैं आपकी सपोर्ट से जीता हूं और आप ही की सपोर्ट से मैं ग्रो भी करता हूं. आप अगर मेरे दिए गए अफिलिएट लिंक को यूज करके अपनी परचेज करेंगे तो ही इस चैनल की मदद होगी, अदरवाइज मैं सिर्फ आपसे हेल्प मांगता ही रह जाऊंगा. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कुछ और जानना है मुझसे इन दोनों साउंड बार्स के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हैं. वहां पे लिख के ये भी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं आपको अपने अगले ट्रू व्यू या फिर ट्रू कंपैरिजन के अंदर बहुत जल्दी मिल रहा हूँ. और बहुत सारी चीजें आ रही हैं इस सीजन में, देखते रहिए ये वाला चैनल. थैंक यू वेरी वेरी मच.